मैं अंदर भी निकल रहा हूँ कि यह वापस आ रहा हूँ यही बात। गाइस देखिए गोवा वाला मजा जो है गंगा। देखिए हम लोग इतना क्लोज जा रहे हैं, सारे के सारे हिरन। मैं हूँ सस्ता बिहल गेल्स और आज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं बहुत ही बड़े अफ्रीका के जंगल। उसको सब लोग तालियों के साथ अभिवादन करें, सभी लोग तालियों से अभिवादन करें उसका। तो अभी का सीन ये है कि सन निकला हुआ है और हम लोग गंगा जी के जस्ट किनारे खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह नहाना स्टार्ट कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेरिया घाट पार्ट टू में आपका मोस्ट वेलकम। अपनी शिवलिंग की देखिए हालत ऐसी है और इसको हमने दाब वाप के देखा है तो बहुत टाइट वाइट हो गई है। तो यही सीन अभी गंगा जी के किनारे हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में टहल रहे हैं। ऑल राइट गाइस, देखिए नल वल लगाने का प्रोसेस चल रहा है। ये लोग आए हैं अभी नल लगाने के लिए यहाँ पे। तो छेद वेद किया जाता है, इसमें नीचे नेट लपेटी जाती है, लपेटने के बाद ताकि बालू वालू कम आए। और अभी देखते हैं पूरा सीन कैसे क्या बनता है। तो अभी चल रही है प्रोसेस पानी निकालने की। पानी यहाँ पे जमा किया जाता है, इससे बाद में किया जाता है बोर। तो ट्रैक्टर से अभी देखिए लोग गंगा जी से डायरेक्ट गंगा जल लेके आए हैं और अभी यहाँ पे हो जाएगा, नल लग जाएगा अपने कैंप के जस्ट सामने। ये रहा अपना नया वाला ट्रैक्टर, ये रहा अपनी स्कॉर्पियो और इसमें पानी भरा जा रहा है। अभी आगे का प्रोसेस चल हो गया पानी के अंदर का। इसके अंदर के प्रोसेस बताओ पूरी कैसे निकलता है पानी। प्रेशर बन रहा है, पानी अंदर जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, यहाँ तक जमीन हिल रही है। ये देखिए मैं अंदर भी निकल रहा हूँ कि यह वापस आ रहा हूँ। यही वाला जो जा रहा हो वापस आ रहा, जो अंदर भी होगा वो भी वापस आएगा। क्या बात है। कल शिवलिंग विलिंग बनाई गई थी तो उसकी जो है पूजा वूजा हो गई है, आरती वारती लोगों ने लगा दी है, दिया या जला दिया। फिलहाल भी पार जाने का रास्ता नहीं पार। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टाइट और ठोस हो गई, इसका साइड का बॉर्डर बनाना है आज। चलिए ये रास्ता भी बन गया देखिए आज गंगा पार जाने के लिए। और ये अपनी नाव से चलेंगे गंगा पार। हम लोग गंगा पार जाने का प्लान है, डे टू में आपका मोस्ट वेलकम है। और ये राम सेतु ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे नाव का डायरेक्ट सुविधा है ताकि पैर गीला ना हो। ऑलराइट गाइस, तो अभी पता चला है कि उस पार जो है हिरन विरन देखने के लिए मिले हैं। अभी गंगा पार हम लोग आ गए हैं। तो अभी नेमिस भाई जो राइडर 855 नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे हिरन विरन भी हैं, मछलियाँ हैं, पानी है, पूरा पूल टाइप का बना हुआ है वहाँ पे। तो चल के देखते हैं क्या अपडेट है, हो सकता है पागल ही बनाया जा रहा हम लोगों को। तो चल के देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। लोग जो हैं वो वहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत दूर है, हम लोगों को पैदल जाना है। इधर साइड पे कहीं हिरन है, पता नहीं है भी कि नहीं, वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो जो न्यूज़ थी वो एकदम 100% श्योर थी। ये देखिए हिरन आपको दिख रहे हैं सामने, ये देखिए यहाँ पे किधर गई मेरी उंगली, ये यहाँ पे हिरन है। देखिए हम लोग जितना क्लोज जा रहे हैं सारे के सारे हिरन भागते हुए जा रहे हैं आगे। ये देखिए बहुत दूर है। तो देखिए जितना हम लोग भाग के गए उससे तेज लोग निकल गए यहाँ से। वाइल्ड लाइफ वाला मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बड़े बड़े सी चिड़िया हैं और ये देखिए यहाँ पे बगुला बैठा हुआ है। और ये बड़ी बड़ी सी सारस है या क्या है, पोटेवर पता नहीं, बहुत बड़ा है। सारस ही है ना। अच्छा तो बस यही है, इधर पानी वानी भरा है, मछली वछली है। एक तालाब यहाँ पे छोटा सा, एक तालाब इस साइड पे छोटा सा, यहाँ पे नेमिस लोग हैं वो देखिए। ऑलराइट गाइस, तो किनारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं हम लोग। चचा हमारे कल वाले वापस फिर एक बार। देखिए सब लोग नहा रहे हैं यहाँ पे लाइन से और अपना ये सामने कैंप लगा हुआ है। देखिए गाइस आलू कट रहे हैं अभी और तहड़ी बनने का इंतजाम है। शिमला मिर्च सब रखा हुआ है और बस ये अभी बनाया जाएगा तो आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। बॉयज तो खाना वाना जो है वो बन चुका है और अभी हम लोग जो है गंगा जी नहाने के लिए आ गए हैं। डे टू में आपका स्वागत है। और बस गहराई वही है सीन, आज भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, कल के मुकाबले भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर। और बस नहाते वहाते इन्जॉय करेंगे आज। टोटल 1.5 घंटे नहाना है पूरा एकदम फुल टू चिल आउट करके, एंड उसके बाद देखते हैं क्या सीन होने वाला है। गाइस देखिए राइडर 855 नदी क्रॉस करके एकदम फुल टू चिल आउट कर रहे हैं नेमिस भाई अपने। और अभी चल रही है हम लोगों की नहाने वाने का सीन और देखते हैं कि हम लोग अभी 1.5 घंटा 2 घंटे नहाने वाले फिलहाल है, पानी मत डालो यार अभी। और उसके बाद देखते हैं क्या सीन होने वाला है, बिकॉज अभी दोस्त कुछ आए नहीं है तो थोड़ा सा कम ठीक लग रहा है। लेकिन अभी आज के रात में जो खतरनाक वाली एक्टिविटी होने वाली है उसके बारे में बहुत एक्साइटेड है हम सभी भी और आप सभी भी। गाइस तो देखिए लोग दोबारा फिर ट्राई करने जा रहे हैं गंगा जी क्रॉस करने के। विधायक जी अंतिम यात्रा ये देखो ये जा रहे हैं। तो गाइस अभी ये सब उठ पटांग एक्टिविटी नहीं करनी, स्विमिंग कर लेते हैं बट लिटिल वेट उससे कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता है।
तो काम ऐसा करो जिससे जो है दिक्कत ना हो किसी को। तो अभी हम लोग इतने में ही नहाएंगे और बैक टू चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, शाम की एक्टिविटी और मेला आपको दिखाएंगे आज। विधायक जी वो देखो जा रहे हैं, वो देखो अंतिम यात्रा। तो ये देखिए हमारे मित्र आते हुए हमसे। कहाँ संजय, कहाँ है संजय? वही फोन। तो गाइज हम लोग अभी देखिए मेला के अंदर इंटर करें, अभी इतना अच्छा मेला लगा वगा नहीं है। इनर विनर भी यहाँ पे बिक रही है, स्वेटर वेटर बिक रहा है। और ये रोहित पाल जी की लगाई हुई सॉफ्टी की दुकान, पाल सुपर सॉफ्टी तुम्हारी है। कितने परसेंट से यार इसका? अरे इधर तो खत्म हो गया मेला, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अभी फीका मेला लगा हुआ है। गाइज देखिए गोवा वाला मजा जो है गंगा गोवा वाला मजा गंगा जी पे लिया जा रहा है। अंजुल गोवा वाला मजा लिया जा रहा है यहाँ पे। सब्जी हम लोग लेके आए हैं आज शाम के टाइम की, और फिर आ गए अपने कैंप के पास, यहाँ पे टहलने सब लोग नहा वहा रहे हैं मस्त। अभी चलते हैं कैंप पे। बिल्ला टीका दिखाइए बंगाली यार, यार ब्लैक आई रो है सब। सौरभ भाई भी आ चुके हैं और ये अविरल शुक्ला भी आ चुके हैं। हाँ टोपी दिखाइए, घोड़ा से आए हो कि गाड़ी से आए हो? घोड़ा। क्या टीका तुम दिखाओ अपनो, टीका दिखाओ, बाहर जियो तब दिखाइए। तो देखिए गंगा जी के किनारे घाट पे और शाम हो गई है लगभग, सनसेट एंजॉय करने के लिए गंगा जी के उस पार हम लोग चल रहे हैं और अभी भी लोग नहा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। गंगा पार आए हैं और ये देखिए दो कमीने दोस्त, चार दोस्त आ रहे हैं और इनको देख लो जंगल सफारी वाली टोपी, जैसे हंटिंग करने आए हैं गंगा पार जंगल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सस्ता बीहड़ गिल्स और आज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं बहुत ही बड़े अफ्रीका के जंगल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे एक तालाब है और उसके बगल में यहाँ पे एक जंगल है, और जंगल में आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए जो एक निशान आपको दिख रहा है, ये राइनोस का निशान है, मतलब जिसको बोलते हैं गेंडा, उसका निशान है। और ये अरे गाइस इसमें देखिए बड़ा पैर है, ये शायद हाथी का निशान हो सकता है। और ये देखिए गाइस ये एक हिरन का निशान है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये बहुत ही ताजा निशान है। और हिरन मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड है, पूरा मादा बड़ा है और उसका डायरेक्शन ये बताता है कि हिरन इस दिशा में गए हैं। तो चलिए आपको हम हिरन को दिखाते हैं चल के हमारे साथ। गाइस तो अभी हम लोग कर रहे थे छोटा सा फ्रैंक आप लोगों के साथ में, और हम लोग अभी गंगा के पार ही हैं और हिरन विरन दिखाने के लिए आए थे। इन लोगों को एक हिरन दिखा था ब्लैक वाला, और बस यहाँ से घूमने के बाद हम लोग वापस कैंप की तरफ जा रहे हैं। गाइस तो रात का अपडेट ये है कि सब्जी जो है हम लोगों की बाहर वहाँ पे पक रही है, और ये गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए गए हैं, तो अभी ये खाए जा रहे हैं, छोटू भाई खा रहे हैं अपने। और रात का टाइम है और दिए हुए किनारे यहाँ पे जल रहे हैं, कुछ तो जल के बुझ भी गए हैं, वहाँ पे आपको दूर दिखेंगे देखने को। और छोटा आज का कुछ दिन खास नहीं था, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करी हम लोगों ने, थोड़ा वॉलीबॉल वगैरह भी खेला हुआ था और नल वल लगा था, वही प्रोसेस हुई है पूरी, आज नहाए भी थे लगभग। कल का दिन जो रहेगा वो ऑलमोस्ट रहेगा काफ़ी एडवेंचर भरा हुआ, और कल का दिन हम लोग दीपक का शाम को करेंगे, दीपक लगभग 100-150-200 दीपक जो भी हो पाएंगे उससे कुछ अच्छा सा डेकोरेट करके दीपक जलाएंगे, और कल का दिन मतलब स्पेशल रहेगा आज के दिन से। तो आज के दिन में देखते हैं भी खाना वाना खाएंगे, दोस्त लोग बैठेंगे तो गपशप होंगे, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मिलिए हमारे नए सबसे पंडित जी जो कि बना रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, भी इस टाइम पे तली जा रही हैं और सब्जी ऑलरेडी बन चुकी थी और गाना वाना बज रहा है, सब दोस्त लोग आ गए हैं तो वो भी आपको एंजॉयमेंट दिखाते हैं क्या है रात का। ऑल राइट गाइस, बिल्ला इन द हाउस और किस्सू है और मेरी तरफ से क्योंकि बहुत दिन बाद आए हैं ये, सौरभ भाई है इन द हाउस और पार्थ इन द हाउस और पार्थ द ब्लॉगर मिनी ब्लॉगर और छोटू और हम। और ये देखिए सब्जी बनी है ये वाली मिक्स और ये पूड़ियां बनी है खाने के लिए। डिनर टाइम, कैंडल लाइट डिनर एट गंगा घाट बेरिया घाट। ओके राइट, जल्दी वहां से हटो पूरा बोलो दाओ यार, सिस्टम फाड़ देंगे, जल्दी आ जाइए, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। एक लड़का तो हम पटेल सपूत प्रेम कर रहे हो, हो गया पंडाल में आकर अपना बच्चा ले जाए सुबह शाम।
यहाँ से हटे, जो भी व्यक्ति डांस करना है और एंजॉय करना चाहता है वो एंजॉय करे और उसको सब लोग तालियों के साथ अभिवादन करें, सभी लोग तालियों से अभिवादन करें उसको। ताली बजती रहनी चाहिए ताकि सामने वाला आदमी नाचता रहे। गाइस तो देखिए लेट नाइट सब लोग टहल रहे हैं यहाँ पे और नारेबाजी चल रही है। हाँ सेल्फी पॉइंट नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे ले। उसमें हो जी रोम रोम भाइयों राम राम भाइयों रोम रोम भाइयों। तो अभी बोन फायर चल रहा है यहाँ पे गाइस और रात हो गई है, ये 3 दिन बाद आप आए हैं, पता नहीं अपनी प्रेमिका के पास रात में 12 बजे फोन कर रहे हैं। बोन फायर एंजॉय किया जा रहा है, अपने विशाल दद्दा यहाँ पे हैं जो कि पूरी तरीके से अद्धा हैं। ये बात को फिर चल देती आधी रात को चालू है। गाइस तो अभी एक आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं हंसी मजाक के साथ। आई होप आपको वीडियो एंड ब्लॉग अच्छा लगा, छोटा सा ब्लॉग बना था। कौन भाग रहा है ये बत्तनी? तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, इसी तरीके से बना रखिए। प्यार, लव यू ऑल, बाय बाय।